आईफोन इस दुनिया का सबसे बेकार फोन है। मैं वही आदमी हूँ जिसने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के टाइम सबको बोला था कि आईफोन 13 ले लो, 14 ले लो, लेकिन ये टॉप 7 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी आईफोन यूजर को अच्छी नहीं लगती। और अगर आप आईफोन लेने वाले हो तो आपके लिए तो ये चीजें और भी ज्यादा जरूरी है ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए। पहली चीज, आईफोन में आज भी बहुत सारे बग्स हैं। कहने को तो आईफोन में दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, सबसे बढ़िया डिस्प्ले है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये आईफोन चलते चलते एकदम से अटक जाता है, फ्रीज हो जाता है। इंस्टाग्राम वाला जो ऐप है ना, उसमें स्पेशली बहुत सारे बग्स हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैसेजेस देखते हैं ना, वहाँ पे आपके दोस्त ने या फिर महिला मित्र ने 2-3 मैसेज किए होंगे, लेकिन ये दिखाएगा 9+ मैसेजेस। अब ऐसा रोज रोज तो नहीं होता, लेकिन महीने 2 महीने में एक आध बार हो जाता है। और अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो ना, तो उसमें तो आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगा ही रहता है। कल ही मैं स्नैपचैट चला रहा था और इसके अंदर फिल्टर ही नहीं लोड हो रहे थे, कभी इसके अंदर स्टिकर्स लोड नहीं होते। कभी स्नैपचैट को यूज करके इसमें बूमरैंग वीडियो बनाओ ना, तो सेव करने के बाद पता चलता है कि भाई ये बूमरैंग वीडियो तो बनी नहीं, कि इस आईफोन ने इसको वीडियो की तरह नहीं, एक नॉर्मल स्टिल फोटो की तरह सेव कर लिया है। अब बूमरैंग वीडियो कहां गई भगवान जाने। तो एंड्रॉइड के अंदर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज करना अच्छा है, लेकिन आईफोन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल। अगली चीज आती है डायलर ऐप। एंड्रॉइड फोन में आपको किसी को भी फोन मिलाना हो तो डायलर खोलो, जिसको फोन मिलाना है उसके फोन नंबर के स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट डालो और अपने आप एंड्रॉइड फोन सजेशन देनी शुरू कर देता है। लेकिन आईफोन के अंदर सजेशन तो छोड़ो, जब तक आप किसी का फुल मोबाइल नंबर नहीं डाल देते ना, ये तो कॉन्टैक्ट नेम भी डिस्प्ले नहीं करता। तो अगर आपको आईफोन से किसी को फोन मिलाना है, तो या तो आपको उस बंदे का पूरा नंबर एकदम रटा हुआ होना चाहिए, या फिर आप कॉल लॉग्स में जाके उसके नाम पे टैप करो जब भी आपने उसको लास्ट कॉल किया होगा। अच्छा, कॉल लॉग्स में ये सारे कॉल लॉग्स भी नहीं रखता, जो लास्ट के 100 होते हैं ना सिर्फ वो रखता है, बाकी पीछे वाले लॉग्स ये अपने आप डिलीट करता रहता है और इसको अनडू करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी और सुनो, सारे के सारे ऐप्स के जो कॉल लॉग्स होते हैं ना, वो एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। मान लो आपने किसी से नॉर्मल फोन पे बात करी तो उसका भी कॉल लॉग यहीं पे आएगा, किसी से व्हाट्सएप पे कॉल या वीडियो कॉल करी उसका भी लॉग यहीं पे आएगा, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे किसी से वीडियो कॉल करी उसका भी कॉल लॉग यहीं पे आएगा। तो आईफोन के अंदर कॉल करना है थोड़ा सा मुश्किल। मतलब आईफोन के कॉल लॉग्स नहीं, खिचड़ी लॉग्स होते हैं बिना प्याज के, नवरात्र चल रहे हैं ना। अगला मामला आता है डिस्प्ले का। नहीं नहीं, मेरे को गलत मत समझो, इसकी डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ये जो नॉच है ना, ये कभी कभार दिक्कत दे देती है। अगर आप यूट्यूब पे फुल स्क्रीन करके कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई रील या शॉर्ट देख रहे हो, तो जो नॉच वाला पार्ट होगा ना, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। और ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप कोई मूवी देख रहे हो अपने फोन के अंदर। लेकिन क्या करें, यही जो नॉच है ये इस पूरे आईफोन के अंदर सबसे काम की चीज भी है, क्योंकि फ्रंट कैमरा से लेकर फेस आईडी के सेंसर तक सब कुछ इसी के अंदर तो है। पर इसके डिस्प्ले की दूसरी खराब चीज है इसका रिफ्रेश रेट। अंकल न जाने कब देंगे अपने बजट आईफोन्स के अंदर हाई रिफ्रेश रेट। एप्पल अपने 120 हर्ट्ज को बोलता है प्रोमोशन, ठंडा रही है लगा लेना सब लोशन, ब्लू है पानी पानी इन द ओशन, आज से हम 60 हर्ट्ज को बोलेंगे लूज मोशन। अगला लूज मोशन है फिर से डायलर ऐप के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग। मैं इस आईफोन से पहले यूज करता था रेडमी का नोट 7 प्रो, और उसके अंदर तो खुली कॉल रिकॉर्डिंग करो भाई, किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर टाइम के साथ कुछ ऐसे फोन आए जिनके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करने पे अनाउंसमेंट होती है, लेकिन फिर आते हैं कुछ इस जैसे फोन जिसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग होती नहीं है। और अगर फिर भी करनी है तो स्टोर के अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन उनमें से एक भी अच्छा ऐप फ्री नहीं है, सारे के सारे पेड हैं। तो आईफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करना है थोड़ा सा मुश्किल। अगली चीज आ जाती है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। ऐसा नहीं है कि इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अच्छे से काम नहीं करती, वो तो एकदम बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एंड्रॉइड फोन के अंदर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन कहां पे होता है, तो आप बोलोगे कि सिंपल सी बात है, स्वाइप डाउन करो, वाईफाई और ब्लूटूथ की सेटिंग के जस्ट साइड में होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। पर आईफोन के अंदर जब आप स्वाइप डाउन करोगे और ब्राइटनेस वाले बार के ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे, तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डार्क मोड, नाइट शिफ्ट और ट्रू टोन। तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है कहां पे? सेटिंग्स के अंदर जाके डिस्प्ले सेटिंग्स में, नहीं, सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे जब आप क्लिक करोगे, तो उसमें भी एकदम स्वाइप डाउन करके लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। अब इतनी जरूरी चीज को सेटिंग्स के अंदर इतना छुपा के क्यों डाला हुआ है, क्या पता। अगली दिक्कत है वाईफाई और ब्लूटूथ की। एंड्रॉइड फोन के अंदर क्या होता है, स्वाइप डाउन करो और वाईफाई और ब्लूटूथ के ऊपर टैप करके उन्हें ऑफ कर दो। लेकिन ये जो आईफोन है इसके अंदर हर चीज होती है थोड़ी सी मुश्किल। इसमें भी आप स्वाइप डाउन करके वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही रात के 12 बजेंगे और नया दिन शुरू होगा, अपने आप वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन हो जाएंगे। लॉजिक वो क्या होता है, अगर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ को परमानेंटली ऑफ करना है ना, तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाके वाईफाई और ब्लूटूथ को इंडिविजुअली ऑफ करना पड़ेगा एक एक करके, ताकि वो अपने आप ऑन ना हो जाए। अगला सिस्टम है फेस आईडी का। फेस आईडी तो इसमें एकदम बढ़िया चलती है, एकदम सुपर फास्ट, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप फोन की तरफ नहीं देख सकते या फिर आपने मंकी कैप के साथ सनग्लासेस पहने हुए हैं, तो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसे यंत्र की जो आपके उंगली का छाप पहचान के आपके फोन को खोल सके। सरल भाषा में इस यंत्र को फिंगरप्रिंट स्कैनर कहते हैं, जो इसके अंदर है नहीं। सुबह मैं कर रहा था नाश्ता, तो पापा ने आगे पूछा कि लाइफ में क्या करोगे, कैसे चलाओगे घर बार, बिजली का बिल कैसे भरोगे, तो मैंने कहा कि अब जो करेंगे करेंगे जनवरी में। अभी मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में।